ये है वो चीज़ जिसको मैंने ऑर्डर किया था। और अभी हम लैंडस्केप मोड से स्विच करते पोर्ट्रेट मोड में। इसके जो ड्रॉबैक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। Hey guys, good morning. This is Vinay. Welcome back to my channel. Cat is Red with another video. तो guys, आज के इस वीडियो में हम अनपैक करने वाले हैं GoPro 360 माउंट को। और ये मैंने परचेस किया था बाइकर्स वर्ल्ड से, उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, तो अगर आपको चाहिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और ये मैंने इसलिए गाइस परचेस किया है बिकॉज क्या होता है ना, जब भी आप GoPro माउंट करते हो आपके हेलमेट पे, तो GoPro का जो एंगल होता है वो लैंडस्केप मोड में होता है, जो अच्छा है यूट्यूब के लिए, लेकिन वो आप इंस्टाग्राम पे अगर रील्स डालना चाहते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए वो बिल्कुल यूज़फुल है नहीं, बिकॉज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आपका जो वीडियो मोड है वो पोर्ट्रेट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को परचेस किया। अब इसको जल्दी से करते हैं अनपैक और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें 360 डिग्री माउंट जो है वो कैसे दिखता है। तो गाइस, इन्होंने उनका स्टिकर भी दे रखा है, बाइकर्स वोल्ट गियर अप योर राइड। और मैं जब इसको कट कर रहा था तो ये थोड़ा सा फट गया यहाँ से। एनीवेज, हम देखते हैं मेन चीज़ पे। तो ये है गाइस वो मेन चीज़ जिसको मैंने परचेस किया था। इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। और सच इसमें कुछ है नहीं, बाय द वे जो पैकेज है गाइस ये मुंबई से आता है। तो ये है वो चीज़ जिसको मैंने ऑर्डर किया था एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये है स्क्रू। जो लोग GoPro यूज़ करते हैं, फिर जो लोग कैमरा यूज़ करते हैं एक्शन कैमरा, उनको पता होगा ये चीज़ क्या है। तो दिस इज़ द थिंग, इसको जे माउंट बोलते हैं। आप देख सकते हो इसका जो शेप है वो जे शेप में है, इसलिए इसको जे माउंट बोला जाता है। तो हेलमेट पे ये माउंट जो है कुछ इस तरीके से लगता है एंड GoPro जो इसके ऊपर लगता है। तो मैंने इसको इसलिए परचेज किया है बिकॉज आप इसे यू इस तरीके से टिल्ट भी कर सकते हो। तो जब ये टिल्ट होता है तब आपका एक्शन कैमरा जो है वो इस पोजीशन में रहता है, जो है पोर्ट्रेट मोड। और अभी हम इसको लगाते हैं अपने हेलमेट पे। तो इस स्टिकर को मैंने यहाँ हेलमेट के पीछे कुछ इस तरीके से लगा दिया, आप देख सकते हो। और ये है मेरे हेलमेट का माउंट। तो इसको भी जे माउंट बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन ये जो जे माउंट है ऑब्वियसली वो 360 नहीं है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे नए वाले 360 माउंट के साथ। तो आपने देखा कि ये कैसे इंस्टॉल होता है कैमरा पे, और आपने देखा जैसे ये कैमरा को कुछ इस तरीके से भी रखता है और इस तरीके से भी ये टिल्ट होता है। तो जल्दी से नीचे जाके इसको टेस्ट करते हैं अपने बाइक पे। और ये देखो क्या करते हैं। झाले का ओके, चलो चड्डी घाल, पैंट घालू नहीं, फटाफट थम थम। बाय द वे गाइस, जब हम वापस आएंगे तब हम इस गणपति जी के फ्रेम को अपने वॉल पे लगाएंगे। मैं आपको दिखा दूँ कि इसको कहाँ पे हमें लगाना है। हमें इसको लगाना है इस वाले वॉल पे, क्योंकि मम्मी ने कहा था ये वाला डायरेक्शन जो है वो सही होता है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लग जाएगा। तो यार ये है अपनी बाइक पल्सर। तो गाइस, मुझे बाइक का भी काम कराना था बिकॉज रिसेंटली मैं गया था मुंबई राइड के लिए गणपति देखने, और आते टाइम गाड़ी की हालत यार बहुत बेकार हो गई। आवाज़ करने लगी थी गाड़ी, अभी भी कर रही है, और आवाज़ जो पीछे वाले मडगार्ड का है तो वो आई थिंक टूटा हुआ है या फिर उसका जो ट्यूब होता है वो ख़राब हो गया, उसके वजह से मुझे उसे रिप्लेस करना है। बाय द वे गाइस, ये जो एंगल आप देख रहे हो इसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड, और ये यूजुअली यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो माउंट मैंने लिया है इसको मैं अगर टिल्ट करता हूँ तो वो बन जाएगा इंस्टाग्राम रील्स के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। बस मैं थोड़ा सा आगे चलो यार, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत हो रखी है। इस रोड पे हमेशा ट्रैफिक रहती है, इस वाले रोड पे और आलमदी रोड पे। तो बस हम आ गए हैं हाईवे पे, यहाँ से थोड़ा और आगे जाके हम एंगल जो है ना वो चेंज कर लेंगे। बाय द वे गाइस, आज है लास्ट डे गणपति विसर्जन का, और हमारे घर का भी गणपति आज शाम को हम टेरेस पे ही उसको विसर्जन करेंगे बिकॉज हमने घर पे ही बनाया था। नाउ वी आर ऑन ओपन रोड, और अभी हम लैंडस्केप मोड से स्विच करते पोर्ट्रेट मोड में। She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. So guys, I hope you like how the angle of portrait mode looks like.
एंड घर जाके मैं आपको इस छोटे वाले माउंट का रिव्यू भी देता हूँ। ओके गाइस, तो आई एम बैक। और यार बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा, तो आई टेल यू हाउ दिस इज वर्किंग फॉर मी। इसके जो ड्रॉबैक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस माउंट का ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको प्ले मिल जाता है, ये देख रहे हो, तो ये इतना प्ले मुझे मिल रहा है, जो अगर आप बाइक चलाते हो और किसी आप बम्प या फिर स्पीड ब्रेकर से जाते हो तो ये कैमरा जो आपका कुछ इस तरीके से हिलेगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं। और आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते या फिर आप इसको टाइट भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप उसे टाइट कर दे तो आपका ये जो पर्पज़ है फुलफ़िल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इसमें आई गेस प्ले है, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ सो यूज़फुल। तो मुझे ये कैमरा माउंट जो है कुछ इतना खास लगा नहीं। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स अगर आप ज़्यादा बनाते हो तो उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल है। बट मेरा ज़्यादा करके कंटेंट जो यूट्यूब पे होता है, तो मैं इसको रिटर्न तो नहीं करूँगा, बट देन मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करूँगा, बिकॉज ये जो मेरा ओरिजिनल जे माउंट है इसमें बिल्कुल भी प्ले है नहीं, और ये स्टर्डी है, बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है ये। तो इसको मैं वापस रिप्लेस करूँगा। वैसे मैंने इसी चीज़ को करने के लिए यहाँ पे एक माउंट लगाया था, और ये जो मेरा परमानेंट जे माउंट है वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ। बट देन प्रॉब्लम ये होती है ना कि अगर मैं यहाँ पे कैमरा लगाऊँ तो मैं कैमरा में देख नहीं पाता हूँ कि रिकॉर्ड क्या हो रहा है, तो उसके वजह से मैंने ये जे माउंट परचेस किया। हाँ, एक और बात जो मुझे आपको बतानी है, ये मैंने परचेस किया था बाइकर्स वोल्ट से, उनके इंस्टाग्राम पेज से, और ये मुझे पड़ा था 360 रुपीज़ का। 300 इसकी प्राइस है, प्लस 60 रुपीज़ उनके डिलीवरी चार्ज, तो ये मुझे 360 रुपीज़ में पड़ा। वही मैंने अमेजोन पे देखा, अमेजोन को 199 रुपीज़ में सेम जो है वो अवेलेबल है, एंड दैट टू फ्री डिलीवरी। अब मैं इसको रिटर्न तो नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे वो पूरा हैसल चाहिए नहीं, जो है वो मैं अब यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप अमेजोन से ले सकते हो, उसकी भी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाइकर्स वर्ल्ड के इंस्टाग्राम के पेज के भी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अंशु, आप लगभग ही फ्रेम लावायची आता मैंने वीडियो साठी का वीडियो नाही बनवायची, आपल्याला फ्रेम लावायची फक्त। नाही, मी वीडियो नाही बनवणार का, कारण की मी चालू कुठे तर बाहेर। ओके, बाय बाय। ओके, मग आपण तोपर्यंत ड्रिल मारू काय। फायनली फ्रेम लग चुके, आप देख सकते हो पीछे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, बाय बाय। Never make promises, 'cause I don't keep them. अरे सुन लो जरा, हाँ तू ना भी कह। कैमरा कौन घेणार अंशू?